हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ाइज वर्ल्ड। इट्स आवर सेकंड डे इन आबू ब्रह्मा कुमारी। सत्युग की आत्मा। एज यू कैन सी, आज हमारे साथ है मिस्टर राठौर। वैसे तो बड़े बिजी रहते हैं, लेकिन मैच कैंसिल होने की वजह से वो आ पाए हैं। मम्मी पापा आए थे ड्रॉप करने, और नाश्ता हमने किया नहीं था, डायरेक्टली हमने लंच ही किया है, क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बताचे तारा देव जी बता खाला आपड़े आम थी जाई थी जाई आप यहां पे बिल्डिंग्स है, ये गार्डन है, और यहां पे पूरा पहाड़। वाओ, तो हम अभी पार्क में आए हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल है पूरा प्लेस। यहाँ पे सारे फ्लावर्स हैं। जीजू अभी शायद काम चालू है, सब बन रहा है। बहुत अच्छी जगह सीताराम से। ये जब 8 दिन का रहता ना बच्चा, तब इनके पैरों में रिंग लगता है, जो जब तक मरेगा नहीं जब तक वो रिंग फिक्स हो जाएगा। एक रैबिट ये और जो उड़ के जा रहा है ना, वो पाकिस्तान लाहौर का है, सिराजी का। ए पाकिस्तान सिराजी कहते हो, वो बच्चा है अभी। एक जो भाई होता है ना, हाँ, इधर क्या शौकीन वगैरह बहुत है, इधर रास्ता में कोई जब आप 2100 किलोमीटर दूर से उड़ाओगे तो 3 दिन में घर आएगी। प्योर नस्ल है पूरा, वो भी ब्लड लाइन से। जोधपुर से तो हम रनिंग करवाते हैं 500-700 किलोमीटर से छोड़ गए। हमारी बात हुआ, वो 1.5 घंटे में आएगा जोधपुर से। वो उसका नाम भी वो है रेसर उमर। अभी और भी एक प्लेस है जहाँ पर हम जाने वाले हैं, जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर, लेकिन हमारे साथ है ना, उनकी गाड़ी को फॉलो करके हम जा रहे हैं वहाँ। लुक एट दिस फेस। पहुँचने के बाद मैंने देखा हम आए हैं ब्रह्मा कुमारीज का जो बहुत ही बड़ा सोलर प्लांट है, वो पूरा देखने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई। ये जो सोलर प्लांट है वो 24/7 चलता है, जिससे कि 16 घंटों की बिजली
एकत्रित की जाती है। इवन यहाँ पर जो भी खाना बनता है, तीन टाइम का जो खाना बनता है वो भी सोलार एनर्जी से ही बनता है। तो हमने वहाँ पर गए थे तब किचन भी देखा था, बहुत सारे अलग अलग मशीन्स थे रोटी बनाने के, चाय कॉफ़ी सब कुछ हमने देखा था। वो ऊपर जो किचन था वो भी सोलार एनर्जी से ही चलता है। सत्ययुगी आत्मा, ये मेडिटेशन रूम है जहाँ पर सब लोग शांति से बैठकर बाबा की तस्वीर के सामने मेडिटेशन करते हैं। और एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है कि यहाँ पर सब आंखें खुली रखकर मेडिटेशन करते हैं, मतलब नेचर के सामने भी करते हैं। अभी हम हैं गॉडलीवुड स्टूडियो के 6th फ्लोर पर, जहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। आज मेरा रिकॉर्डिंग करना है जो सोलो सॉन्ग है उसका, तो उसके लिए आए थे हम। ये जो मुस्कान सीरीज़ अभी नई सीरियल जो लॉन्च हुई है उसका पोस्टर है। ये सारी चैनल्स है जिसके ऊपर ये सीरियल आएगी, और अभी उसके एपिसोड्स बहुत सारे रिलीज़ हो चुके हैं। ये सारी जो भी सक्सेसफुल लेडीज़ हैं उनसे जो भी इंस्पिरेशन मिली है उसके ऊपर से ये पूरा बनाया गया, और जो भी टॉपिक होगा एपिसोड का उसके हिसाब से सारे गाने लिखे गए हैं, जिसमें से मेरा भी एक गाना है और एक ग्रुप सॉन्ग है, तो वो भी रिलीज़ हो जाएगा। अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है क्योंकि अभी कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो शायद से अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम अब डिनर करने के बाद ही जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि हर एक चीज़ का फिक्स किया हुआ टाइम है, जैसे कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इवन आपको चाय या कॉफ़ी भी लेना हो तो भी उसका एक फिक्स टाइम होता है, तभी आपको वो लेना होता है। हमें जो भी टाइम दिया था उसके हिसाब से हम गॉडलीवुड स्टूडियो पहुंच गए हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, तो अभी हम गॉडलीवुड स्टूडियो का जो थिएटर है वो विज़िट करने आए हैं। जब कुछ भी नया रिलीज़ होता है तो वो सब यहीं पर सबसे पहले देखते हैं थिएटर में, एपिसोड्स या गाने जो कुछ भी होता है वो सब कुछ। आपका डायलॉग बोलो। मेरा कोई डायलॉग ही नहीं है। मैं बना दूं? बना दो। बोलो। आपको
આ ડોલો ઉંચો નાસી તો લઈને આપણે પછી મોટો બનાના મેરે પાસ તો છે નહીં બનડ રાજ પર ભલે ચલો સ્ટાર્ટ ચલો કટ આ તો બધાને કટ